आजकल के इस डिजिटल एरा में टिंडर और बंबल जैसी डेटिंग एप्स को यूज करना और अपने लिए पार्टनर ढूंढना बहुत ही आम है। लेकिन अब इन एप्स को इस्तेमाल करने से पहले आपको होना पड़ेगा सावधान, क्योंकि इन डेटिंग एप्स के जरिए कई सारे स्कैम्स के मामले सामने आ रहे हैं, जिसे कि रोमांस स्कैम या डेटिंग स्कैम के नाम से जाना जाता है। तो क्या है ये रोमांस स्कैम, ये आपके साथ कैसे हो सकता है और इससे आप कैसे बच सकते हैं, जानते हैं इस वीडियो में। हेलो, मैं हूं नवमी और आप देख रहे हैं अनकट। आजकल के टाइम में लोगों के साथ अलग अलग तरह के स्कैम्स होना बहुत ही कॉमन हो गया है, बी इट डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड स्कैम, डिलीवरी स्कैम, लॉटरी स्कैम, जॉब स्कैम एटसेट्रा। लेकिन अब इन स्कैम्स की लिस्ट में ऐड हो गया है एक और नए तरीके का स्कैम, जिसका नाम है रोमांस स्कैम या डेटिंग स्कैम। इस स्कैम में स्कैमर्स डेटिंग ऐप का इस्तेमाल करके लोगों को जाल में फंसाते हैं और उनसे लाखों रुपए लूट लेते हैं। इस स्कैम में जिसको भी फंसाया जाता है उसे इमोशनली और फाइनेंशियली दोनों ही तरीकों से नुकसान पहुंचाया जाता है। इन लोगों को डेटिंग एप्स पर झूठे प्यार में फंसाया जाता है और इसी प्यार का नाटक करके उन्हें लूटा जाता है। और आजकल दिल्ली, हैदराबाद जैसी मेट्रो सिटीज में इस तरह के स्कैम्स काफी ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। जैसे कि कुछ महीनों पहले एक केस सामने आया था जिसमें एक महिला इस स्कैम का शिकार हुई थी और उन्हें इस स्कैम का अंदाजा तब हुआ जब उनके बैंक अकाउंट से 98,000 रुपीस कटे। इसके अलावा और भी कई सारे ऐसे मामले देखे गए हैं जिसमें लोगों के लाखों इनफैक्ट करोड़ों रुपए भी लूटे गए हैं। जैसे कि अभी जून के महीने में ही अमेरिका से एक केस सामने आया था जिसमें एक शख्स ने ऑनलाइन डेटिंग की वजह से अपने 2.5 से 3 करोड़ रुपए गवा दिए। वो शख्स एक महिला से लिंक्डइन पर मिला, उनकी अच्छी बातचीत शुरू हुई, उनकी दोस्ती हुई और फिर उस महिला ने उस शख्स से लगभग $3,00,000 लूट लिए। इस तरह के स्कैम्स में फ्रॉड्स यूजर्स के साथ ऐसा दिखावा करते हैं जैसे कि उन्हें उनसे प्यार हो गया है। इसकी शुरुआत ज्यादातर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और डेटिंग एप्स पर होती है, जहां ये फ्रॉड्स अपनी फेक प्रोफाइल क्रिएट करते हैं। वो अट्रैक्टिव प्रोफाइल पिक्चर्स लगाते हैं ताकि लोगों का उन पर ध्यान जाए। इस तरह के फ्रॉड में स्कैमर्स काफी टाइम इन्वेस्ट करते हैं। वो यूजर को पहले स्पेशल फील करवाते हैं, उनके क्लोज आ जाते हैं, फिर कुछ वक्त बाद वो खुद को किसी मुसीबत में बताते हैं जहां उन्हें कुछ पैसों की जरूरत होती है, फिर वो यूजर से पैसे मांगते हैं और ऐसे धीरे धीरे करके ये स्कैम शुरू हो जाता है। तो ऐसे में हमारे लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि हम ऐसे फ्रॉड से खुद को कैसे बचा सकते हैं। वैसे ऑनलाइन मार्केट में बचने का कोई सटीक तरीका नहीं है, आप सावधान रहकर ही खुद को बचा सकते हैं, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी बातें हैं जिनका ध्यान रखना आपके लिए जरूरी है। जैसे कि नंबर एक, अगर डेटिंग एप्स पर आपसे मिलते ही कोई जल्दी ही आपके प्यार में पड़ जाए और बड़ी बड़ी बातें और वादे करने लगे तो हो सकता है कि वो एक फ्रॉड है और आपसे पैसे लूटना चाहता है। नंबर दो, आपके लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि डेटिंग ऐप पर उस शख्स की या उस महिला की जो फोटो यूज की गई है वो असली है भी या नहीं। इसे पता करने के लिए आप गूगल रिवर्स इमेज सर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपको उस इमेज की सच्चाई पता चल जाएगी, या फिर उनसे मिलने से पहले एक बार वीडियो कॉल पर जरूर बात करें। नंबर तीन, जब भी आप लोग पहली बार मिलने जा रहे हैं तो एक बात का खास ध्यान रखें कि फर्स्ट मीटिंग के लिए किसी भीड़भाड़ और रोशनी वाली जगह को ही चूज करें, ताकि आप किसी भी फ्रॉड का शिकार ना बन जाए। और नंबर चार, अगर आप किसी से ऑनलाइन कुछ टाइम पहले ही मिले हैं तो उनसे अपनी किसी भी तरह की जानकारी शेयर ना करें, जैसे कि अकाउंट डिटेल्स और पर्सनल डिटेल्स, और खास कर कि किसी को पैसे तो बिल्कुल भी ट्रांसफर ना करें। तो अगर आप भी रेगुलरली लोगों से ऑनलाइन मिलते हैं, उनसे फ्रेंडशिप करते हैं या डेट करते हैं, तो इन बातों का जरूर ध्यान दें ताकि आप किसी फ्रॉड का, किसी स्कैम का शिकार ना बने। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर करें ताकि हर कोई इस तरह के फ्रॉड से सावधान रहे, और ऐसी वीडियोस के लिए देखते रहें अनकट।